और अब देखिए फ्रेंड्स प्राइस कैसे तय होता है, मोस्टली केस में क्या होता है। यहां देखिए फ्रेंड्स, अब बोलिए ये नाम क्या है, ये इतना लंबा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहां देखिए सीएच मतलब चैंपियन हो गया, ये चैंपियन डॉग ब्रीड है, यानी कि यह किसी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने PWS चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में एक नया जर्मन शेफर्ड पप्पी लाने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि एक मंथली एक्सपेंस क्या पड़ेगा उन्हें पालने में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करते आया हूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, AKC यानी कि अमेरिकन कैनल क्लब के अनुसार जर्मन शेफर्ड पिछले कई सालों से सेकंड मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड रहा है और हमारे इंडिया में तो यह काफ़ी पॉपुलर ब्रीड है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप जर्मन शेफर्ड लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ किसी शॉप से या किसी बैकयार्ड ब्रीडर से या किसी पपी मिल फार्म से इसे बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यह लोग मोस्टली क्या करते हैं कि इन ब्रीडिंग कराते हैं। इन ब्रीडिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, वो मदर सॉन या फादर डाउटर या सिबलिंग्स भाई बहन में ही वो मेटिंग करवा करके वो बच्चे पैदा करवाते हैं और आपको सस्ते में दे देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो लॉन्ग टर्म पे आपको वो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि उनमें कई तरह की बीमारियां होंगी, हिप डिस्प्लेसिया होगा और तरह तरह की उसमें प्रॉब्लम होंगी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको लेना है तो फ्रेंड्स एक प्योर जर्मन शेफर्ड ब्रीड लें, क्योंकि मैं खुद पिछले 20 ईयर से 20 सालों से मैं डॉग पाल रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ फ्रेंड्स, कई तरह के जो फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाले होंगे उसे आप बचा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब जर्मन शेफर्ड के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। एक एडल्ट जर्मन शेफर्ड का हाइट 55 टू 65 सेंटीमीटर होता है और वेट लगभग 25 टू 40 केजी के आसपास होगा। जहां तक लाइफ स्पैन की बात है, यह लगभग 10 टू 14 ईयर्स जीते हैं और अगर आप इन्हें काफ़ी अच्छे से पालते हैं, काफ़ी देखभाल करते हैं, तो अमूमन ये 13 टू 14 ईयर्स आसानी से जी सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनका प्राइस कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह टोटली डिपेंड करता है कि आप डॉग कहाँ से ले रहे हैं और एक प्योर जर्मन शेफर्ड ब्रीड है कि नहीं। और अगर आप सो लाइन लेंगे तो प्राइस डिफरेंट पड़ेगा, वर्किंग लाइन लेंगे तो प्राइस डिफरेंट पड़ेगा, या किसी चैंपियन पेरेंट्स का अगर आप पपी लेंगे तो प्राइस डिफरेंट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये प्राइस तय होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी डॉग ब्रीड लाने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर वह कैन क्लब ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये एक ओरिजिनल KCI पेपर है जिसमें कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन फॉर यहाँ पे कैनल का नाम लिखा हुआ होगा। तो जब भी आप किसी जेन्युइन ब्रीडर से लीजिएगा तो उनका देखिए कैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, प्लस उसके नीचे आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ रहेगा, कब वो पप्पी पैदा हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा रहेगा, ब्रीड का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर था, अभी है, तो आप देख सकते हैं गोल्डन रिट्रीवर का नाम यहाँ लिखा हुआ है। और अब देखिए फ्रेंड्स, प्राइस कैसे तय होता है, मोस्टली केस में क्या होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब बोलिए ये नाम क्या है, ये इतना लंबा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सीएच मतलब चैंपियन हो गया, ये चैंपियन डॉग ब्रीड है, यानी कि यह किसी शो में चैंपियन रहा होगा। उसमें यहाँ देखिए, यहाँ चैंपियन नहीं है, सीएच कहीं लिखो, यानी चैंपियन नहीं है, यानी कि ये हुआ फादर, ये हुआ मदर, ये पेरेंट्स हुए, इन दोनों पेरेंट्स में एक चैंपियन रह चुका है और उसका बच्चा ये हुआ। फिर सेकंड में फ्रेंड्स देखिएगा, ये एक दूसरा पेरेंट्स है, एक दूसरा फैमिली है जिसमें कि कोई भी चैंपियन ब्लड लाइन में नहीं है। आप देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी सीएच नहीं लिखा हुआ है, तो इनका बच्चा ये हुआ, तो और इन दोनों का बच्चा से ये बच्चा यहां निकला है। पर फ्रेंड्स अगेन देखिए, जो बच्चा है ये भी चैंपियन रह चुका है, तो चैंपियन का ब्लड लाइन यहां पे आया, यहां पे चैंपियन का ब्लड लाइन आया और यहां से कोई भी चैंपियन ब्लड लाइन नहीं निकला है। यहां एक बच्चा आएगा और इन दोनों का जब मीटिंग होगा तो ये एक बच्चा आएगा। तो फ्रेंड्स ये भी देखिए, ये भी चैंपियन रह चुका है, तो यानी कि ओवरऑल एक ब्लड लाइन काफी अच्छा है। और फ्रेंड उसी तरह नीचे में देखिएगा, तो नीचे में देखिए एक अगेन ये देखिए इम्पोर्टेड यूके है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए नाम लिखा रहेगा इम्पोर्टेड IMP मतलब इम्पोर्टेड यूके, ये यूके से इम्पोर्टेड ब्रीड हुआ है। और यहाँ फिर देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कोई भी, ये फर्स्ट जो पेरेंट है ये चैंपियन नहीं है, पर सेकंड में देखिए फ्रेंड्स सीएच लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सीएच, मैं आपको सामने करके दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये देखिए सीएच यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि चैंपियन रह चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो भी रहेगा, पेरेंट्स रहेंगे, आपको देखना है कि चैंपियन ब्लड लाइन है कि नहीं। चैंपियन ब्लड लाइन होने से डॉग का क्वालिटी काफी निखर के आएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है। तो फ्रेंड्स ये इनका बच्चा हुआ और इनका बच्चा यहां से हुआ और इन दोनों का बच्चा, ये देखिए फ्रेंड्स ये चैंपियन नहीं है और ये चैंपियन है, इन दोनों के बच्चे से मिला करके एक नया आपको पपी मिलेगा। और फ्रेंड्स जो भी ब्रीडर का नाम रहेगा फ्रेंड्स, वो यहाँ पे लिखा रहेगा। ये मैं जामबुझ के हाइड किया, जिस मैंने बताया मैं किसी भी ब्रीडर को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे ब्रीडर का नाम रहेगा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये होलोग्राम रहेगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये दिख रहे हैं आप होलोग्राम है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं ये कि जेन्युइन ये पेपर है कि नहीं। फ्रेंड्स बोलने को लोग बोलेंगे कि अरे ये तो मार्केट में 500 से 1000 रुपए मिल जाता है। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है मिलता होगा, लेकिन अगर आपको जो जो पैरामीटर सेट किया गया है उसी पैरामीटर के अनुसार आपको लेना चाहिए, ताकि एक अच्छा आपके घर में डॉग ब्रीड आए जो कि आपके फैमिली के साथ हमेशा आने वाले 10 to 14 years आसानी से रहे, काफी लॉयल रहे और काफी हेल्दी रहे, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जर्मन शेफर्ड का प्राइस 3 से 4 तरीके से सेट होता है। अगर आप एक घर में होम पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एक फैमिली कंपेनियन के लिए डॉग लाना चाहते हैं तो उस केस में आपको प्राइस अराउंड 25 to 30,000 पड़ेगा अगर आप किसी भी जेन्युइन ब्रीडर से डॉग लेते हैं तो। सेकंड फ्रेंड हो गया अगर आप किसी सो लाइन का पप्पी लाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी डॉग सो कंपटीशन में उतरना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उस केस में यह प्राइस बढ़ जाएगा, ये प्राइस 30 to 50, 60, 70,000 पड़ सकता है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं वर्किंग ब्रीड जर्मन शेफर्ड लाने का फ्रेंड्स, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें अमूमन किसी भी तरह की कोई डिजीज़ या हिप डिस्प्लेसिया या इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस केस में एक वर्किंग जर्मन शेफर्ड का प्राइस मिनिमम फ्रेंड्स 50,000 रुपीज़ से लेकर 1,00,000 रुपीज़ तक हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं इनका खान पान का एक मंथली अप्रॉक्स खर्चा क्या होता है। तो फ्रेंड्स शुरू में जब भी आप पप्पी लाइएगा तो इनिशियली आपको काफ़ी उनका केयर करना पड़ता है, आपको वैक्सीनेशन साल में 2 बार देना पड़ेगा क्योंकि उनको बूस्टर पड़ता है। तो आप मान के चलिए फर्स्ट ईयर में आपको जो वैक्सीनेशन पे है अप्रॉक्स 2,000 to 3,000 आपको खर्चा पड़ेगा। देयर आफ्टर आपको हर साल आपको एक रेबीज का और एक 7-in-1 वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट लगभग आपको हर साल मान के चलिए 1,500 के आसपास आपको पड़ेगा। डॉक्टर आपके घर में आके इंजेक्शन देता है या आप ले आते हैं तो। और फ्रेंड्स जो खाने पीने का खर्चा फ्रेंड्स है, अगर आप होम मेड डॉग फूड देते हैं फ्रेंड्स तो वो उसका एक्सपेंस कम होगा। और फ्रेंड्स मैं तो रिकमेंड करूंगा आप होम मेड डॉग ही फूड दीजिए, और कुछ कुछ कमर्शियल फूड दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स होम मेड डॉग फूड में आप राइस दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, और भी कई तरह की डाइट है जो कि आप देख सकते हैं। होम मेड डॉग फूड बनाइएगा एक एडल्ट जर्मन शेफर्ड के लिए तो आपको मंथली 2,000 से लेके 3,000 तक आपको एक्सपेंस पड़ेगा, आप घर में खाना बना के देते हैं तो नॉनवेज। उसी तरह अगर आप उसमें कमर्शियल डॉग फूड दीजिएगा तो फ्रेंड वो थोड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, और उस केस में आपको अराउंड 3,000 to 3,500 मंथली एक्सपेंस पड़ेगा। प्लस फ्रेंड्स आपको चूंकि डॉग आप पालिएगा तो उसको आपको अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, आपको मल्टीविटामिन, कैल्शियम और भी कई तरह के छोटे मोटे सप्लीमेंट्स होते हैं वो बीच बीच में आपको देना पड़ेगा, तो उसका भी कॉस्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उस केस में यह कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आप मान के चलिए मिनिमम आपको 3,000 मंथली एक्सपेंस तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यहाँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।